हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। रिपब्लिक भारत ने 23 अगस्त को अपने शो ये भारत की बात है में अफगानिस्तान की बात की। पूरे शो में चैनल ने तालिबान के साथ पंजशीर की लड़ाई के बारे में बात करते हुए कई विजुअल्स दिखाए। एक मौके पर एंकर सैयद सोहेल ने ये कहा, आइए एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले तालिबान को कैसे पटकनी दी है ये देखिए जरा तस्वीरें। ये तालिबानी लड़ाके आप देख रहे हैं आतंकी, जिन्हें धमाका कर उड़ा दिया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर दिखाऊं मैं एम्बियंस के साथ। घेरे में आप देख पा रहे हैं एक कार खड़ी हुई है, सुनिए जरा पहले। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए, इसे टारगेट किया। ये दरअसल घाटी के बाहर तालिबानी आतंकी मौजूद थे जिन्हें टारगेट किया। और ये देखिए अभी से पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को धूल चटा दी है, ये कम से कम ये तस्वीर बयां कर रही है। देखिए तो रिपब्लिक भारत ने दावा किया कि पंजशीर घाटी के बाहर तालिबान के आतंकी मौजूद थे जिन्हें वहां के लड़ाकों ने हरा दिया और उसके साथ उन्होंने ये वीडियो दिखाया। ये वीडियो टाइम्स नाउ, TV9 भारतवर्ष और ABP न्यूज ने भी चलाया। TV9 भारतवर्ष ने दावा किया कि 800 तालिबानी बिना लड़े ढेर हो गए। टाइम्स नाउ ने बताया कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने कहा कि पंजशीर घाटी के आसपास तालिबान अपने लड़ाकों को इकट्ठा कर रहा है। एबीपी न्यूज ने 23 अगस्त के दो शोज में यही वीडियो दिखाया। अफगानिस्तान में नॉर्दर्न एयरलाइंस ने तालिबान को जबरदस्त झटका दिया है। पंजशीर घाटी पर कब्जे की फिराक में लगे तालिबान आतंकियों के एक काफिले को नॉर्दर्न एयरलाइंस ने उड़ा दिया है। ये तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के आसपास इकट्ठा हुए थे लेकिन मौका मिलते ही नॉर्दर्न एयरलाइंस ने इनको उड़ा दिया। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से तालिबान के लड़ाके एक गाड़ी के साथ वहां पर इकट्ठे हुए थे और यहीं पर से ये नॉर्दर्न एयरलाइंस के पंजशीर घाटी इलाके में हमला करना चाहते थे लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने इनको एक ही धमाके में उड़ा दिया। आज भारत की बात में अफगानिस्तान को लेकर दुनिया की स्वार्थ वाली नीति का पोस्टमार्टम, लेकिन शुरुआत पंजशीर से आई उस तस्वीर के साथ जिसमें तालिबानी लड़ाकों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीर पंजशीर की है। अफगानिस्तान का वो इकलौता इलाका जहां अब तक तालिबान के झंडे ने लहराने की हिम्मत नहीं की है और जब तालिबानियों ने पंजशीर की जमीन पर पैर रखने की जरूरत की तो देखिए कैसे कुछ सेकंड के भीतर उनका नामोनिशान तक मिट गया। रिपब्लिक भारत ने अपने शो ये भारत की बात है में एक और वीडियो दिखाया। अगली तस्वीर देखिए कि कैसे, ये देखिए जरा, अगर मैं एम्बियंस सुनाऊं, ये घाटी पर चढ़ाई की कोशिश कर रहे थे आतंकी, तालिबानी आतंकी, पूरी घाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, धुंध आपको नजर आ रहा है। ये एरो के जरिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तालिबानी आतंकी है जिनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीर मैं दिखाऊं, ध्यान से सुने एम्बियंस के साथ। इंडिया टुडे ने भी यही विजुअल कई बार चलाए और इसे पंजशीर घाटी का दृश्य बताया। चैनल ने यह फुटेज दिखाते हुए बताया कि यह पंजशीर घाटी की 23 अगस्त की घटना थी। Choice will be yours and if you opt to fight we will see you, if you opt to negotiate ऑल्ट न्यूज आपको इन वीडियोस की सच्चाई बताएगा, लेकिन उससे पहले बहुत ही संक्षेप में पंजशीर के बारे में जान लेते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पंजशीर चर्चा में है क्यों। ये अफगानिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जो हमेशा तालिबान के नियंत्रण से बाहर रहा है। अब जब तालिबान ने इतने बड़े लेवल पर वापसी की है वो जरूर चाहेगा कि पंजशीर पर भी उसका कब्जा हो क्योंकि तभी पूरा अफगानिस्तान उसके कब्जे में होगा। वहीं पंजशीर से ये आवाज आ चुकी है कि वो झुकने वाला नहीं है, तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देगा। ये था पंजशीर का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रो। आते हैं फैक्ट चेक पर। ऑल्ट न्यूज ने ट्विटर पर कीवर्ड सर्च किया तो @CWC_today द्वारा ट्वीट किया गया ये वीडियो दिखा। इसके रिप्लाई में एक यूजर ने बताया कि वीडियो पुराना था। उसने जो स्क्रीन ग्रैब वीडियो दिखाया वो EGY आर्मी पुलिस का फेसबुक पेज था और उस पर 2020 में वो वीडियो अपलोड किया गया था। हमने फेसबुक पर ये पेज ढूंढा और हमें ये वीडियो मिल गया। इसे 1 मई 2020 को अपलोड किया गया था, यानी ये तो साफ हो गया था कि इसका पंजशीर और तालिबान की हालिया स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। अब बात करेंगे दूसरे वीडियो की। इस वीडियो के बारे में जानने के लिए हमने एक बार फिर
ट्विटर पर कीवर्ड सर्च किया। हमने देखा कि एक ट्वीट के जवाब में बताया गया था कि यह यमन का पुराना वीडियो था। यूट्यूब पर इसे 16 अगस्त 2021 को यमन में चल रहे युद्ध का बताकर अपलोड किया गया था। ऑल्ट न्यूज को ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर पर भी मिला जिसे 4 अगस्त को ट्वीट किया गया था। इस वीडियो में गोली से बचने के लिए भागते हुए शख्स के अलावा हमलावरों को भी देखा जा सकता है। हमने इस वीडियो के बारे में इंटरनेट पर ढूंढा तो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स मिली और साथ ही यमन मिलिट्री मीडिया हैंडल का एक ट्वीट भी मिला। इस ट्वीट में यमन के ऑपरेशन अल निसार अल मुबीन फेज 2 की कुछ तस्वीरें थी और साथ ही इस वीडियो का लिंक भी दिया गया था। ये वीडियो यमन मिलिट्री मीडिया के यूट्यूब चैनल पर 30 जुलाई को पोस्ट किया गया था और ये ऑपरेशन अल निसार अल मुबीन फेज 2 की प्रेस ब्रीफिंग का था। इस प्रेस ब्रीफिंग में यमन का एक आर्मी ऑफिसर ऑपरेशन के बारे में जानकारी देता हुआ दिखता है, जिस दौरान वो कुछ विजुअल्स भी दिखाता है। इन्हीं विजुअल्स में वो दृश्य भी दिखता है जिसे इंडिया टुडे ने यह कहकर दिखाया कि वो 23 अगस्त की पंजशीर घाटी की घटना थी। यानी इंडिया टुडे और रिपब्लिक भारत ने जिस वीडियो को पंजशीर घाटी का हालिया वीडियो बताया उसका लंबा वर्जन 31 जुलाई को यमन मिलिट्री मीडिया ने अपलोड किया था। भारतीय न्यूज चैनलों पर उस वीडियो का कुछ हिस्सा धुंधला करके दिखाया गया और दावा किया गया कि ये तालिबानी लड़ाकों पर हमले का दृश्य है। आप इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट altnews.in/hindi पर जाकर। अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो जाएं altnews.in पर। ये रिपोर्ट तैयार की है प्रियंका झा और मोहम्मद जुबैर ने। मेरा नाम है केतन। ऑल्ट न्यूज में अपना भरोसा यूं ही बनाए रखें। शुक्रिया।